नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। आपकी जिंदगी से जुड़े आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करते हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आपसे भी जुड़ते हैं और आज का मुद्दा है नई टेलीकॉम पॉलिसी का मसौदा अब जनता के सामने रखा जा चुका है। और अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ट्विटर के जरिए हमें सवाल भेज सकते हैं, हैशटैग इकॉनमी टुडे आपको इस्तेमाल करना है और आपका सवाल नई टेलीकॉम पॉलिसी से जुड़ा होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में सवाल करने के लिए अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, economytoday.dvnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व डायरेक्टर फाइनेंस बीएसएनएल और टेलीकॉम एक्सपर्ट एसडी सक्सेना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए इस प्रोग्राम में। और इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट अब जारी कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव है। वहीं 2022 तक देश के सभी नागरिकों को 50 Mbps की गति का इंटरनेट कनेक्शन देने का भी प्रपोजल है। ड्राफ्ट में बताया गया है कि इस सेक्टर में 2022 तक करीब 40 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए देश में क्वालिटी इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम लिया गया है। 2022 तक नई टेलीकॉम पॉलिसी में कई ऐसे टारगेट रखे गए हैं जो अगर पूरे कर लिए गए तो देश के विकास की दिशा में ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक देश के हर नागरिक को 50 Mbps ब्रॉडबैंड कवरेज मुहैया कराने का प्रस्ताव है। हर ग्राम पंचायत में 2020 तक 1 Gbps जबकि 2022 तक 10 Gbps कनेक्टिविटी की कोशिश की जाएगी। 40 लाख लोगों को दूर संचार क्षेत्र में नौकरियां देने का लक्ष्य पॉलिसी में है। देश के विकास में दूर संचार की हिस्सेदारी 6% है जिसे बढ़ाकर 8% करने का लक्ष्य है। इस साल जून तक भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए रोड मैप तैयार हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भी कार्य योजना शुरू की जा रही है। देश की डिजिटल सार्वभौमिकता को सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा के लिए भी नई पॉलिसी में विशेष जगह दी गई है। नई दूरसंचार नीति को जनता की राय के लिए अभी सार्वजनिक किया गया है। संसद के अगले सत्र में इस पॉलिसी को पारित कराने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुषमा साहब, नई पॉलिसी जरूरत क्या है इस वक्त और क्या पहले तो पॉलिसीज बनी है लेकिन अब नए भारत की हम बात कर रहे हैं तो ये नया फोकस क्यों जरूरी? देखिए, जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है तो पॉलिसी बहुत जल्दी जल्दी लानी पड़ती है। और अभी जैसे देखते हम लोगों के सामने 2G से अब 5G की बात होने लग गई। और टेक्नोलॉजी की एक और बात है जो आप सब जानते हैं, वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है और जो पहले वाली टेक्नोलॉजी है उसको वो एक तरह से बेकारा कर देती है, इररेलेवेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसलिए पॉलिसी बदलने का बहुत आवश्यकता है। और इस समय जो विशेष बात कही जा रही है, जो मुझे लगा सबसे बड़ी बात है, कि निवेश करने की जी। कि $100 बिलियन का जो निवेश करने की बात की जा रही है उससे एकदम से बढ़ावा मिलेगा अपनी टेक्नोलॉजी को और खासतौर से डेटा सर्विसेज और डिजिटल इंडिया को। तो ये पॉलिसी बहुत सोच समझ के इसको बनाने में कुछ समय लगा है लेकिन बहुत अच्छी पॉलिसी आई है और इससे एकदम से अपने देश में इंटरनेट का और जो डेटा सर्विसेज है उसका विकास होगा। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल में जब डेटा सर्विसेज सस्ती कर दी गई तो देश में एक नया गुणात्मक परिवर्तन आया है। लोगों ने डेटा को चखा है और परखा है। हालत ये हो गई कि जो लोग टेलीविजन पहले देखा करते थे उन्होंने अपने केबल कनेक्शन बंद कर लिए। बहुत से लोग अब अपने टेलीफोन पे टेलीविजन भी देख रहे हैं। तो इस तरह का जो परिवर्तन आ रहा है वो एक बहुत मैं कहता हूँ आमूलचूल परिवर्तन है और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसी आई है मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और ये बहुत इस समय सामयिक है। ये एक बहुत सही समय पे लाई गई है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि जो $100 बिलियन का कमिटमेंट किया गया वो काफी इंपॉर्टेंट है, अब हमें ये समझाएं कि क्या अभी प्राइवेट सेक्टर इस इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, फाइनेंशियल हेल्थ किस तरह की है इस वक्त सेक्टर की और क्या ये वाकई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिव हो पाएगा हमारे डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने के लिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है बहुत तेजी से। तो मैं आपको ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि भले ही कुछ कंपनियां हैं जो अभी लॉस में हों या जो कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं लेकिन जो इन्वेस्टर है वो उस हिसाब से नहीं देख रहा है आजकल। इन्वेस्टर देखता है कि उसमें से नया क्या निकलने वाला है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा फ्लिपकार्ट, amazon.com, ये सब जो कंपनियां हैं इन्होंने बहुत मुनाफा नहीं कमाया लेकिन इनके ऊपर $10 बिलियन $20 बिलियन इतनी आसानी से पैसा आ जाता है। तो मैं समझता हूं कि पैसा तो आएगा और खासतौर से यूं आएगा कि इस समय ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि शायद दुनिया में भारत एक ऐसा अनूठा देश हो गया है जहां पे सबसे ज्यादा
दूरसंचार और आईटी सर्विसेज का और उससे संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनका विस्तार हो रहा है। चीन से भी हम आगे चले गए हैं। तो दुनिया में जितने भी निवेशक हैं भारत को एक ललचाई, मैं कहूंगा ललचाई हुई आंखों से देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पैसा आएगा और जब पैसा आता है तो टेक्नोलॉजी बढ़ती है, दूरसंचार की विकास होगा और केवल दूरसंचार का ही विकास नहीं होता है। हमने अपने जीवन में देखा है मैंने कि जब दूरसंचार का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था का भी विकास होता है और बहुत बड़ा होता है। जैसे इसमें कहा भी उन्होंने कि 6% की जगह पर 8% का जो विकास दर वो लाने का प्रयास करेंगे। एक और बात जो मुझे बड़ी अच्छी लगी जो हमने अपने जीवन में शुरू से की कि टेलीफोन, इस बात पे हम लोगों को लोग बहुत ताने भी दिया करते थे, कहने भाई गांव में पानी तो नहीं है फिर टेलीफोन क्यों लगा रहे हो। तो हमने कहा साहब पानी तो देना किसी और का काम है, हम तो टेलीफोन लगा सकते हैं, हम टेलीफोन लगाएंगे। और उस समय जब इसकी मजाक उड़ी थी उसके बाद में हमने देखा कि जब टेलीफोन गांव में पहुंचा तो जीवन में परिवर्तन आया और अच्छा आया। और अब जब दूरसंचार के माध्यम से डेटा की सेवाएं पहुंचेंगी, जैसे कि उसने कहा है कि 50 Mbps लगाएंगे और बाद में 1 Gbps तक की डेटा सर्विसेज देंगे गांव में भी, तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी और एक बहुत ही अच्छा विचार है, इससे जिंदगी में अंतर आएगा। तो अब जो ये बड़ी बात कही जा रही है कि ब्रॉडबैंड के जरिए, और अब ऐसा लगता है कि टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड, इंटरनेट और टेलीकॉम के बीच का जो अंतर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, दोनों चीजें एक ही कन्वर्ज होती जा रही है। कन्वर्जेंस हो रहा है, टेलीविजन हो गया, ऑडियो वीडियो सब कुछ मिल गया है और वो दूरसंचार के माध्यम से चला जाएगा। तो ये जो ब्रॉडबैंड जो गांव तक पहुंचाने की बात है, पंचायतों को कनेक्ट करने की बात है, उसका भी एक अलग सरकार मिशन लेकर के चल रही है कि सारे ग्राम पंचायतों को आपको एक तय समय सीमा के भीतर उनको सबको इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ना है। हाँ। और उसके बाद क्वालिटी सर्विस देनी है, ये भी नहीं कि आप पहुंच तो गए लेकिन जब तक डेटा काम नहीं करेगा तब तक मुझे लगता है ई गवर्नेंस की जो समस्या है या ई गवर्नेंस पर जो फोकस है वो काम पूरा हो नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब फर्क क्या होगा मान लीजिए, और क्या वाकई जिस स्पीड की हम बात कर रहे हैं, स्पीड सबसे बड़ी समस्या शायद आज के जमाने में है, जिसकी कंप्लेन बार बार लोग करते हैं कि हमें बोलते तो हम 4G हैं लेकिन हमें 2G या 3G की स्पीड मिलती है, तो या स्पीड की समस्या। देखिए अभी इसमें दो तीन चीजें बड़ी अच्छी इस पॉलिसी में आई हैं। एक तो ये आया है कि स्पीड बढ़ानी है, दूसरा वो कह रहे हैं कि डेटा सर्विसेज को वाईफाई के माध्यम से भी देंगे। तो उसमें कई बार आवश्यकता नहीं है कि टेलीफोन का सिग्नल ही काम करे, अगर वाईफाई भी लगा देंगे मॉडेम तो उससे कनेक्ट हो जाएगा। और स्पीड का मतलब यह कि जब तक वो नहीं चलेगा, जैसे अब आपको रेलवे की बुकिंग करनी है बीच में कनेक्शन टूट जाता है कई बार आपने देखा, तो बहुत ज्यादा कठिनाई होती है और तब तक वो जो है सीट ही बुक हो जाती है। तो अब ये जो स्पीड चलेगी तो उससे इन सब बातों का समाधान निकल पाएगा और उसकी वजह से लोग उसके प्रति आकर्षित होंगे। जैसे अभी हमने देखा जब डेटा सर्विसेज हल्की कर दी गई, सस्ती कर दी गई, लोगों ने टेलीविजन देखना शुरू कर दिया जी। और टेलीविजन से जो पहले जो एक तरह की स्मार्ट टीवी आ गए, अब हाँ। सीधे इंटरनेट के जरिए टीवी हाँ, देखना। तो से देख रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब स्पीड बढ़ जाएगी तो IoT से बहुत सी चीजें हो पाएंगी। आप घर बैठे बैठे कुछ चीजें अपने प्रिंटर से निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ तक तो IoT ने तो ये कर दिया कि वो टैंक भी बना देता है। और उसका तो यहाँ तक विचार है कि वो जो IoT के माध्यम से वो चंद्रमा पर भी बहुत सारी चीजें बिना पहुंचाए हुए वहाँ उसको उत्पादित कर सकेंगे। तो अब अगर गांव में ये सब सुविधाएं पहुंचेंगी तो फिर गांव और शहर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बल्कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गांव बहुत आगे बढ़ जाए। अब तो मुझे गांव जाने की बहुत इच्छा होती है क्योंकि हवा तो अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है जब अपने गांव जाता हूं तो अच्छी हवा है, पानी अच्छा है, जो सुविधाएं अगर होंगी तो वाकई सब लोग जाएंगे। और वो अगर सबसे बड़ी बात कनेक्टिविटी की होती है, जो कनेक्टिविटी, अच्छा एक और चीज है जिसको कि मैं बताना उस समय नहीं कर पाया, वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उनमें बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप डॉक्टर से फेस टू फेस बात करेंगे टेलीमेडिसिन से तो आपके तो बहुत सारी समस्याएं निदान हो जाएंगी, लोगों को फुटपाथ पर आके सोना नहीं पड़ेगा दिल्ली में। तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आने से ई कॉमर्स या माफ कीजिए ई एजुकेशन या ई मेडिसिन पर ध्यान देने से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। अगर आप जैसे एक्सपर्ट्स वाकई फिर से वापस गांव में जाकर के काम करने लगे तो फिर वो जो अंतर है गांव शहर का, वो जो खाई है वो काफी कम होने शुरू हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट मैं जो कहूंगा कि ये एक अब बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, ये एक वाहन बन जाएगा लोगों को गांव की तरफ भेजने के लिए। अब एक चीज थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी सब लोग के दिमाग में ये रहता है कि आप इस पॉलिसी में कह रहे हैं कि आप 40 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगे, दूसरी तरफ आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं जो आकर के नौकरियां ले लेंगी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंफ्यूजन है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ये बात तब उस समय भी कही गई जब दूरसंचार सेवाओं का विकास हो रहा था। अब जैसे मोबाइल फोन जब बने तो
लोगों ने कहा कि बहुत सी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतनी दुकानें आ गई जो मोबाइल सर्विसेज को देख रही हैं, मोबाइल सेवाओं को बेच रही हैं। तो इस तरह की कुछ न कुछ समाज में नया चीजें पैदा होंगी, तो रोजगार तो निकलेगा। अब रोजगार का जो एक सोच है कि सरकार में ही नौकरी मिले, एक तो वो सोच बदल लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार तो इतनी नौकरियां नहीं दे सकती, रोजगार तो पैदा करना पड़ता है। दूसरा साहब, वी आर ऑल्सो ज्वाइन बाई मिस्टर राजन मैथ्यू फ्रॉम COAI। थैंक्स वेरी मच राजन। How do you see this new telecom policy and its focus? Do you really see this is in the right direction? There are certain things that certainly go in the right direction, Ajay. First of all, we are pleased with the airline decision extending mobile. Oh, absolutely. That is a good one. The ease of doing business clearly in the right direction and something that we wholeheartedly support. The two other areas that we have some marginal concerns about is, of course, the 3G kind of Wi-Fi application area and the ombudsman area. Those two, we have some concerns because we believe that it may be violative of the Telecom Act of 1885, under which our licenses are granted. So just some residual concerns there. But clearly, those two first ones were in the right direction. And areas that we were hoping would also be decided on, which was the E-band and the V-band, which would allow us to provide faster service, that didn't get decided. And of course, Telecom 2018, the policy direction from the government, that wasn't decided on. So things that we had hoped would be decided still remain open. So Rajan, do you see that the industry is ready for this new Wi-Fi services in the aviation sector? Are we ready for it? We certainly are, Jay. First of all of our operators are rolling out Wi-Fi services in just about every major city. The only concern is that when reselling of Wi-Fi services happens through this new licensing or registration provision, we believe that the level playing field gets a little distorted because a customer who goes into one of these what we call public data offices and receives a service will not obviously have to pay the license fee and spectrum usage charge, whereas when an operator provides the same PDO service in a Wi-Fi that it has established, it has to pay the 8% license fee, spectrum usage charge, it has to follow quality of service norms, and it has to follow legal enforcement costs as well, which the other PDO is excused from. So these types of level playing field issues must be addressed as we go forward. So Rajan, my final question to you, and we have also Mr. S.J. Saxena, who is the former director of finance in BSNL. You are good friends with him. I think the speed of internet, which is the key area for all the consumers, what would you say to them? Are you really going to appeal to the industry that they must work on this data speed, because as per the reports and then the global index, we are quite not quite far high. So are we doing something to improve the speed problem within the cellular operators? Clearly, that is a matter that we have heard loud and clear from our consumers. There are two issues that we are trying to grapple with simultaneously in terms of investment. One is to be able to provide the increased speed through our networks, especially in the urban areas. But also remember that we still have to connect over 600 million people who have no broadband connection. So we have to balance both in a country like ours. So that is the challenge. So our operators are trying to ensure that we can meet both challenges. That is why we continue to press the government to ensure financial health of the industry that allows the industry the investment bandwidth to invest in both these. Thanks very much, Rajan. I hope that you'll work with the government to solve the problems and adhere to the challenges that this telecom and telecom sector is going to face in the days to come. Thanks very much for joining us at this moment. छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तो सवाल और जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और सक्सेना साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हैशटैग इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, चर्चा नई टेलीकॉम पॉलिसी पर।